गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के नौसर चौकी अंतर्गत स्थित उत्तरी कोलिया में संदिग्ध हालत में गला कसकर भीम निषाद नामक व्यक्ति की हत्या हो गई। परिजनों का आरोप है कि पटीदारों ने रस्सी से गला कसकर हत्या कर दिया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी कोलिया निवासी राम विलिश के पुत्र 40 वर्षीय भीम निषाद का उनके पटीदार मिश्री लाल व गोपाल निषाद से दरवाजे पर भैंस ले जाने को दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। देर रात दोनों पक्षों ने बेलीपार थाने पर तहरीर दिया था। पुलिस ने इलाज हेतु भेज दिया था। आज देर शाम भीम की हत्या हो गई। मृतक की पत्नी मालती का आरोप है कि पटीदारों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर भीम की हत्या रस्सी से गला कसकर कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही नारद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक की पत्नी और सीओ बांसगांव नीतीश सिंह ने बताया। हमारे भाई साथ झगड़ा हुआ है सर, और घर में घुसे सब मारे हैं बजरी लगाकर। किस बात का झगड़ा था तुम्हारे पिताजी से? बारिश के चलते झगड़ा हुआ था। चौवा जो चौवा किसी का चल जाती है खाना में सर, खाना में कोई तो जानता नहीं है किसके दीवार पे जाएगी, किसके दीवार पर। तो फिर क्या हुआ था उसके सर? हम नहीं जानते हैं। हमारा पति है केसर निषाद, हम मालती हूँ। आज के डेट में सर हम लोग गए थे खाना, सुबह खाने बुलाटा गए, वहाँ से हमको पिटोली ब्लॉक बुलाए, दोनों पार्टी पिटोली ब्लॉक गए, हमको शायद पहले छोड़ दिए, कहे कि तुम चले जाओ, ठीक है, हम अपने आदमी का लेकर चले आए, और वो अपने बेटी दामाद के संदिग्ध बुलाई थी, और हमारी जेठान वो खड़ी है, उनको ही तुमसे डंडा लगा लेकर मारने भाग गई। वो समझौता कर रही थी, तब बगल में लोग डांटे तब भूल के गई। उसके बाद हम अपने बच्ची थी, चाय बना के हमको अपने पापा के दिए, उनका पापा भैंस खिला रहे थे और चाय मनो पी रहे थे। उसके बाद जब हमको भूख लगा चल बहनी खाना दो, हम चले गए, तब तक उनका दामाद दो लोग मुँह मुँह ले रहे हैं, दो लोग मार रहे हैं। हमारा पति बाजा कक्खा गिर गया, ईटा गिर गया, पैर के बगल में हमारे पति को खींच के ले जाकर सुला दिए भूसा वाले घर में। हमारा पति हमको बयान दे के गा रहा था, 10 मिनट तुम पहले आ चुके अपने राज के पा गई थी, उसके बाद अपने राज की तुम पाओगी गाई। आधा राही हमारे लड़के लेकर आए, 100 नंबर वाले देखे, मगर बयान हमसे लिखवाए, हम बयान दिए हैं, हमारा लड़का आधे रहे मर पर निकल गया लेकर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आप लोग? बात के पहले एक दिन के पहले झगड़ा हुआ है गाय भैंस के लिए, उनका गाय थी हमारी भैंस थी, वो दोनों गाली अपने में आपस में लड़ाई था, गाली बकता है वो बकते ये बकते, अपने बिटिया के बुला लिए घर पर, उनका दूसरे घर पर दामाद और बिटिया रहते थे बेटा, वहाँ से बुला कर मार करने के लिए बुलाई। हम तो सब्जी चौराहे बेच रहे थे, चौराहे पर से जा कर देख रहे हैं उनका लड़का जाकर नारद हमारा, अभी हम नीचे हटा रहे तभी हमारे टेम्पो को मारा, ये का दाम का वो कौन है कौन है, तब जब हम गाली बोले कि कौन है तो कह रहा कि ये हम ही झगड़ा कर ही हम टेम्पो ना फोड़ा, देखिए टेम्पो सामने खड़ा है हमारा, इसीलिए बवाद है, टेम्पो ने फोड़ा था ने झगड़ा हुआ था। ग्राम नौसर के उत्तरी कुलिया गाँव में ये सूचना जो प्राप्त हुई है,
इसमें भीम के मृत्यु के संबंध में ये सूचना है और ये परिवारजन द्वारा आप लोग पंजीकृत कराया जा रहा है, जो उन्होंने कह दिए उस पर आवश्यक कार्रवाई बनाने कार्रवाई करते। सर क्या लग रहा है पूरा मामला? अब बाद संबंधित जांच तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इसके पूर्व में भी सर अभी विवाद हुआ था, उसमें बेलीपत थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सुबह इस संबंध में NCR पंजीकृत हुई थी एक बछड़े को ले जाने के लिए, एक विवाद दोनों सही परिवार में।